In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Om Shanti Om. दोस्तों फिल्म ओम शांति ओम जो रिलीज हुई थी 9 नवंबर 2007 को और ये एक बॉलीवुड रोमांटिक मेलोड्रामा फिल्म है जिसको 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर और राइटर है फराह खान, इसके प्रोड्यूसर है शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, यानी आप कह सकते हैं कि फिल्म को शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है। बात करते हैं कास्ट की, इसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, श्रेयस तलपड़े और किरण खेर, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। ये दीपिका पादुकोण की बॉलीवुड डेब्यूट फिल्म है। अब बात करते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 78 करोड़ 17 लाख रुपीज का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 109 करोड़ 78 लाख रुपीज का। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट में 40 करोड़ 9 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, 40 करोड़ 9 लाख रुपीज की। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 149 करोड़ 87 लाख रुपीज का। फिल्म का बजट था 40 करोड़ का। अब 40 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था और इंडिया से जो बाहर का कलेक्शन था, अगर हम दोनों को इंक्लूड करके बजट की बात करें तो फिल्म ओम शांति ओम बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यानी कि फिल्म की ऑफिशियल वर्डिक्ट थी ब्लॉकबस्टर की। और इसी कलेक्शन के साथ ये साल 2007 की बॉलीवुड की फर्स्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। फिल्म की जो एल्बम थी उसके अंदर टोटल 12 गाने थे, कुछ गाने सुपरहिट साबित हुए थे। गानों को कंपोज किया था विशाल और शेखर की जोड़ी ने और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे जावेद अख्तर जी ने। अब फिल्म को टोटल 72 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था अलग अलग कैटेगरी में। फिल्म ने 72 में से टोटल 26 अवार्ड्स जीते थे, जिसमें से एक अवार्ड दिया गया था नेशनल फिल्म अवार्ड में। अब जो है फिल्म की बेसिक स्टोरी जो है उसकी बात करते हैं। अब फिल्म में जो शाहरुख खान होते हैं उनका पुनर्जन्म दिखाया जाता है, यानी कि शाहरुख खान का फिल्म के अंदर डबल रोल होता है। अगर उनके पहले रोल की बात करें तो शाहरुख खान जो है वो अपने पहले वाले रोल में वो एक फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट का रोल निभाते थे। अब क्या होता था, शाहरुख खान को दीपिका पादुकोण जो कि सुपरस्टार होती है उनसे प्यार होता है। अब दीपिका पादुकोण जो होती है उनकी शादी हो जाती है फिल्म मेकर अर्जुन रामपाल के साथ। अब एक बार एक आग लगने की वजह से शाहरुख खान जो है दीपिका पादुकोण की जान बचाते हैं। अब दीपिका पादुकोण का जो पति होता है अर्जुन रामपाल वो किसी पर्सनल रीजन के चलते दीपिका पादुकोण का मर्डर कर देता है। और वही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो शाहरुख खान होते हैं उनकी भी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, शाहरुख खान का पुनर्जन्म होता है। अब शाहरुख खान जो है बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके होते हैं जिनका नाम होता है ओम कपूर। लेकिन शाहरुख खान को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद होता है कि कैसे जो है अर्जुन रामपाल ने अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण का मर्डर किया था जिससे शाहरुख खान प्यार करते थे। अब शाहरुख खान जो है उनका एक ही मकसद होता है अर्जुन रामपाल से दीपिका पादुकोण की मौत का बदला लेना। अब वो कैसे बदला लेते हैं, क्या करते हैं, ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।